हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आ चुका हूँ मैं आपके लिए बहुत सारी अपडेट्स लेके। तो बढ़ते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ। पहली अपडेट आ रही है फिंग की तरफ से। तो फिंग ने अपने नए पॉडकास्ट में एमिवे और कृष्णा की बीफ के बारे में बात करी है, और भाई ने ये भी बताया कि उस बीफ के अंदर कौन जीता था। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लो। अरे यार ठहरो, बैठो, पानी पियो, मैटर सॉल्व करते हैं। मैटर तो सॉल्व ही है, दोनों के आ गए व्यूज, एक हार गया एक जीत गया, सिंपल। कृष्णा ऑफ कोर्स 22 मिलियन, 22 मिलियन भाई, इट्स क्रेजी। किसी ने नहीं करा ये चीज वो ये जो वो इतने टाइम से डिजर्व करता था। और एमिवे का जो लास्ट ट्रैक था ना भाई, उससे पहले वाला जो ट्रैक था वाज इनसेन। मैं सुन के ऐसे हो गया था भाई, कृष्णा इसका कमबैक दे ही नहीं सकता। बट जो लास्ट डाला ना, मचाएंगे फोर तेरी माँ चाहेंगे मोर, मैं भाई यही हार चुका है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता डिस्ट्रैक्ट में क्या, ये यही हार चुका है। ये यहाँ पे ना वो मतलब कीचड़ उछाने वाली फाइट पे आ गया है। Hi, it became very cheap after a while. Like when you go after like people's like girlfriends and mothers, like oh, that's like dead end, dude. इस तो भाई सोच रखी है कि मैं कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाऊँ YouTube पे, कभी ऐसा कुछ हो गया कि कृष्णा से बीफ हो गई, सॉरी बोल दूंगा मैं। I'm not fighting him. He's invincible. You cannot. So बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में, वो आ रही है नेस्टी निंजा की तरफ से। तो भाई अपने इंस्टा पर लाइव थे, तो वहाँ पे उन्होंने रफ्तार, कृष्णा और कलमकार के बारे में बात करी है, तो वो आप देख लो। रफ्तार तो रिटायर्ड हो गया है, मैं सुना मेरे गाने के पहले रिटायर हो गया क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे गाने के बाद होता तो मज़ा आता, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अपना जगह पब्लिक ने अड़का के रखी है, लेकिन फिर भी लाइक यू नो लाइक अपने काम से बहुत सारे अपन तोड़ देंगे ऐसे सब अड़चन। कृष्णा फिर डिस्ट्रैक्ट लेकर आ रहा है, हाँ करने दो भाई लोग, डिस खेलते रहने दो, वो नहीं मालूम है अभी आने वाला है, एल्बम भी बाहर आने वाला है पूरा, कॉल ऑफ ड्यूटी का एल्बम कर रहे हम लोग, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं इधर। ऐसे चने लोग के ऊपर ध्यान देंगे तो फिर कुछ नहीं होगा ना जिंदगी में, अपन को कमाने का भी है ना, ये लोग बॉट बॉट खेलते रहेंगे, अपन थोड़े ना ऐसा बैठेंगे जो हाथ फैला के। पिंकी की तरह जंग लगी फैक्ट्री में मत बनाओ। देखो भाई, ऐसा जंग लगी फैक्ट्री तो नहीं है, पर अच्छा खासा जगह है, थोड़ा सा बिग थी। मीनवाइल रफ्तार नॉट गिविंग अ फक। ब्रो तेरे को एक बात बताता हूँ मैं, रफ्तार विल नेवर गिव अ फक लाइक अबाउट एनी थिंग। और चीज़ बोल रहा हूँ कि मतलब एक बार मैंने गरम का अंदाजा ना, उसके बाद मैं वहाँ पे उंगली करने जा रहा नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेरी एनर्जी उतना वेस्ट नहीं करना चाहता, बट आई वॉन्टेड टू पुट, ये अभी भी बता रहा हूँ मैं, ये गाना उन लोगों के लिए बना ही नहीं था। ओए लियो, कौन है, कौन रफ्तार को देगा क्या? लियो क्या तू कलमकार को ढूंढ रहा है क्या? हाँ छुप गए ले भाई, सब छुप गए ले, लियो छुप। चलो भाई थैंक यू सो मच। बाकी जो नेक्स्ट निंजा का डिस्ट्रैक्ट आ रहा है कलमकार के लिए, वो 26 अगस्त को आ रहा है, जिसका नाम है गरम कान। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इक्का की तरफ से। तो इक्का ने अभी एक स्टोरी डाली है जिसमें कि भाई ने लिखा हुआ है नेक्स्ट EP सोलो ट्रैक्स एंड कोलैबोरेशंस। तो बस आज की वीडियो में तो बस यही अपडेट थी, बाकी मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।